हेलो फ्रेंड्स, मैं उन्हें खेल और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्नेक में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बेंटेन फोटो रेंज सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा काफ़ी लोगों के पास ज़्यादा फोटोज नहीं होते हैं, तो मैंने एक ही फोटो जो यूज करके 10 डिफरेंट फोटोज बनाए हैं। इसमें से 3 फोटो का आपको मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन से फोटो का ट्यूटोरियल चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे जाकर आप मेरे फोटो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इस वाले बैकग्राउंड के ऐप पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। इस बैकग्राउंड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद ऐड फोटो में जाकर बेंटेन वाले इस फोटो को ऐड करना है और इसे इस तरह फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड फोटो में जाना है और आपकी वाली फोटो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे यहाँ से मूव डाउन करना है, तो ये आपके फर्स्ट वाले लेयर के पीछे चले जाएंगे। उसके बाद इसे अच्छे से सेट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं किस तरह इसे सेट कर रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह सेट करना है। उसके बाद अभी मुझे मेरे फेस वाले लेयर पे एडजस्टमेंट करना है। उसके लिए मैं फर्स्ट वाले लेयर को नीचे लेकर जाऊंगा। अगर आप फर्स्ट वाले लेयर को नीचे नहीं लेके जाते, आपकी सेकंड वाले लेयर है वो सिलेक्ट नहीं होती है। उसके बाद सेकंड वाले लेयर को मैं फिर से मोवल डाउन कर दूंगा। मेरी फेस वाले लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। अभी मैं एडजस्टमेंट में जाऊंगा। यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को माइनस में करूंगा, कॉन्ट्रास्ट को भी मैं थोड़ा यहाँ पे माइनस करूंगा। उसके बाद क्लियरिटी को मुझे थोड़ा प्लस में करना है, हार्डनेस को भी मैं यहाँ पे थोड़ा माइनस करूंगा। उसके बाद शैडो को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मुझे ब्लू वाली थीम चाहिए, इसीलिए मैं थीम को थोड़ा माइनस में करूंगा। तो यहाँ पे काफी अच्छे से मेरा फेस मर्ज हो चुका है। उसके बाद मैं इसे डन कर दूंगा। अभी मुझे फेस पे राइट क्लिक करना है, जो कि इस वीडियो का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके लिए ऐड फोटो में जाकर इसे ऐड करना है और ब्लेंडिंग में जाकर इसकी ब्लेंडिंग को ऐड पे सेट करना है और इसे इस तरह सेट करना है। उसके बाद इरेजर में जाकर इसे इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद ब्रश लेना है, यहाँ पे ब्रश का साइज आप देख लेना। और इसे साइड से इस तरह ड्रॉ करना है। यहाँ पे लाइट सोर्स पीछे से आ रहा है, इसीलिए आपको फेस के सामने ज्यादा लाइट नहीं आने देना है। इसके बाद इरेजर में जाकर जितना भी बाहर गया है उसे इरेज कर लेना है। यहाँ पे मैंने इरेजर की ओपेसिटी और हार्डनेस 100% रखी थी। उसके बाद यहाँ से इसके ओपेसिटी आपको कम करना है। इसके ओपेसिटी मैं 80 से 85 के अकॉर्डिंग रखूंगा। अभी मुझे यहाँ पर ब्लू लाइट ड्रॉ करना है। उसके लिए ऐड फोटो में जाकर इसे फिर से ऐड करना है और इसे ब्लू करने के लिए एडजस्ट में जाना है, वहां से ह्यू में जाना है और इसका ह्यू को -163 पे करना है और इसे डन कर देना है। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाकर इसकी ब्लेंडिंग को ऐड पे सेट करना है और इसे इस तरह सेट करना है। उसके बाद इरेजर में जाकर इसे इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद ब्रश लेकर मैं ब्रश की ऑपेसिटी यहाँ पर 55 रखूंगा। हार्डनेस को मैंने पूरा कम कर लिया है और इस तरह साइज से मैं लाइट ड्रॉ करूंगा। उसके बाद जितनी भी लाइट बाहर गई है उसे मैं इरेजर लेकर इरेज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इरेजर की हार्डनेस और ऑपेसिटी 100% रखी थी। उसके बाद इसकी ऑपेसिटी को मैं थोड़ा कम करूंगा, इसकी ऑपेसिटी को मैं 57 पर रखूंगा और इसे मैं डन कर दूंगा। अभी मुझे इसमें शैडो देना है। इसके लिए टूल्स में जाकर कर्व्स में जाना है और कर्व्स को इस तरह करना है। उसके बाद इरेजर में जाकर इन्वर्ट कर देना है। उसके बाद ब्लश को लेना है
और यहाँ पे मैंने ब्लस की ओपेसिटी को 55 पर रखा है और हार्डनेस को पूरा कम कर दिया है। मेरे फेस पर जहाँ पर ज़्यादा लाइट है वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगा। उसके बाद इसे डन करके मुझे जितनी शैडो चाहिए उस हिसाब से इसे मैं सेट कर दूंगा। उसके बाद जितनी शैडो बाहर गई है उसे मैं इरेज कर दूंगा। इरेजर के ओपेसिटी और हार्डनेस 100% रखी है और इसे डन कर दूंगा। उसके बाद अभी मुझे यहाँ पर साइड से रिमलाइट ग्लो करना है। उसके लिए मैं ग्लॉटोस में जाऊंगा और कलर में जाकर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद लेयर में जाना है और इसे आपको गैप पे सेट करना है और ब्लर वाला ब्रश लेना है और ब्रश का साइज यहाँ पर मैंने 5 पर रखा है और इस तरह इसे साइज से ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं इसे पीछे वाले हेयर पे भी ड्रॉ करूंगा। इसके बाद इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी को मैं 58 पर रखूंगा। इसी तरह दूसरे साइड से आपको ब्लू लाइट भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लू लाइट ड्रॉ कर ली है। जिस तरह ऑरेंज लाइट ड्रॉ की उसी तरह ब्लू लाइट ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देख ले मैंने किस तरह ब्लू लाइट ड्रॉ की है। एयर पे आपको पीछे से साइड से ज्यादा लाइट ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं पिक्सार्ट में का वर्क हो चुका है। कलर क्लियरिंग के लिए मैं लाइटरूम में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लाइटरूम में आ चुका हूँ। इस वाले फोटो को मैंने गैलरी से लाइटरूम में शेयर कर लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन में जाना है और स्पीरियल को मैं यहाँ पे माइनस में करूंगा। यहाँ पे मैंने स्पीरियल को -10% किया है। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करूंगा और हार्डनेस को इंक्रीज करूंगा और शैडो को +2% मैं इंक्रीज किया है और व्हाइट और ब्लैक को कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद इसके नीचे वाला टूल्स कलर्स में मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर मुझे ब्लू थीम होना इसलिए मैं थीम को माइनस में करूंगा और थीम को मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा। इससे मेरे फोटो में पर्पल कलर ऐड हो गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद वेबलेंस को और सैचुरेशन को मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपको मिक्स वाले कलर में जाना है। यहाँ पे लेक कलर की लिमिनेंस और सैचुरेशन को मैं इंक्रीज करूंगा। उसके बाद ऑरेंज कलर की भी मैं सैचुरेशन और लिमिनेंस को इंक्रीज करूंगा। उसके बाद येलो ग्रीन और स्काई ब्लू को आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद डार्क ब्लू में मैं लिमिनेंस को इंक्रीज करूंगा और सैचुरेशन को डिक्रीज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हो काफी अच्छे से मेरे कलर्स हुए हैं। उसके बाद इसके नीचे वाले टूल्स में जाना है। यहाँ पर मैं टेक्सचर को इंक्रीज करूंगा और क्लियरिटी को डिक्रीज करूंगा। क्लियरिटी को डिक्रीज करने से आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। वीकनेस और मिड पॉइंट को यहाँ पे डिक्रीज करना है। हेडर और राउंडनेस को इंक्रीज करना है। यहाँ पर मैं हार्डनेस को भी इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद इसके नीचे वाले टूल्स में जाना है। यहाँ पे शार्पनिंग को इंक्रीज करना है। रेडियंस को भी इंक्रीज करना है। यहाँ पे मैं डिटेल को भी मैं इंक्रीज कर दूंगा। मास्किंग को भी यहाँ पे इंक्रीज करना है। इस टूल्स में जितने भी ऑप्शन है उनको उन सबको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरी फोटो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो काफी अच्छे से ही मेरी फोटो कंप्लीट हुई है। उसके बाद ऊपर आपको शेयर वाले ऑप्शन में जाना है और इसे सेव इमेज कर लेना है। तो आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आपको नेक्स्ट फोटो लेयर कौन से फोटो पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप फोटोज चेकअप कर सकते हो। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।